told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch. Today's video, I'm going to tell you about how we keep anchor watch on board ships. What do we do on anchor watch? How we find out that anchor is dragging? इस वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, पूरी देखिएगा एंड तक अगर आप कुछ इंफॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं. बट आई विल मेक श्योर इस वीडियो के एंड में आपको बहुत कुछ एक आइडिया मिल जाएगा कि एंकर वॉच पर नॉर्मली हम करते क्या है. मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप. व्हेन द फर्स्ट थिंग वी वॉक ऑन द ब्रिज फॉर द एंकर वॉच, हाउ वी स्टार्ट एंड व्हाट वी डू. Duty AB, come in. Please check the anchor cable position. Thank you. So, it took you 5 minutes. When you come up on the watch, on the anchor watch, you just first thing is follow your company checklist. आपकी कंपनी की एक चेकलिस्ट होगी जो आपको बताएगी आपको एंकर वॉच पे क्या करना है. हार्डली 10-12 पॉइंट होते हैं. मास्टर स्टैंडिंग ऑर्डर क्या कहता है, वेसल का पोजीशन मॉनिटर करना है, VHF चैनल कौन से पे है कौन से पे नहीं है, जैरो और मैग्नेटिक आपने चेक कर लिया, आपने ट्रैफिक चेक कर लिया विसिनिटी में क्या है क्या नहीं है, कोई मूविंग वेसल है, आपने बाहर गए सबसे पहले आपने ये चेक किया आपके शिप साइड पे कोई ऑयल शीन तो नहीं है, देन आपने अपनी नेविगेशन लाइट्स ऑन कर ली
और उसके बाद आपने अपने ड्यूटी एबी को बोला कि एक बार जाके एंकर केबल चेक कर लो। ये सब तो हो गई, हमने चेक्स कर लिए अपने कि व्हाट वी डू ऑन एंकर वॉच। नाउ द मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न ऑन एंकर वॉच इज, एंकर हमें क्यों मिलता है? एंकर हमें इसलिए मिलता है कि अगर हम किसी पोर्ट पे आए हैं, सपोज लोडिंग करने, पोर्ट ऑक्यूपाइड है तो पोर्ट हमें बोलता है कि बाहर वेट करो और एंकर डाल दो शिप का। सो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंसर्न इज, जिस पोर्ट पे आप हैं उस पोर्ट का VHF चैनल आप हमेशा ऑन रखें। सपोज अभी मैं जिस पोर्ट पे हूँ, मैंने वहाँ का चैनल 13 मॉनिटर करना है। क्यों? क्योंकि पोर्ट कंट्रोल मुझे कभी भी बुला सकता है और बोल सकता है हीव अप एंकर एंड प्रोसीड। सो जब भी आप वॉच पे आए, आप चेक कर लें आपका VHF जो रिक्वायर्ड चैनल है उस पे है। सपोज जैसे मैं अभी जिस पोर्ट पे हूँ, मैंने आपको दिखाया 13 इज द रिक्वायर्ड चैनल जिस पे पोर्ट कंट्रोल मुझे कॉल करेगा। एक चीज हो गई है। दूसरी चीज जो मेन इम्पॉर्टेंट है, आपको शिप की पोजीशन मॉनिटर करनी है कि मेक श्योर आपका एंकर ड्रैग नहीं कर रहा है। जैसा कि आपने देखा, मैंने अभी अपना विंड चेक करा, विंड इज स्लाइटली हाई, सो देर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स। अभी जैसे मेरे जहाज पे विंड 18 नॉट्स है, तो अगर विंड 25 नॉट्स आ जाती है तो आई शुड इन्फॉर्म द मास्टर दैट विंड हैज पिक्ड अप एंड वी नीड टू चेक द एंकर। अब आप कैसे पता करोगे कि आपका एंकर ड्रैग कर रहा है या नहीं कर रहा है? मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपका एंकर ड्रैग कर रहा है या नहीं कर रहा। फर्स्ट पॉइंट, मॉनिटर योर शिप्स पोजीशन, कीप मॉनिटरिंग योर शिप्स पोजीशन। सेकंड पॉइंट, मार्क EBL एंड VRM टू द नियरेस्ट लैंड। एक EBL और एक VRM, जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे हमने ये EBL और ये VRM मार्क कर रखा है और यहां पे उसका डिस्टेंस एंड रेंज दिखाया हुआ है कि EBL और VRM का क्या रेंज है। इफ यू सी देर इज अ चेंज इन योर EBL एंड VRM, उसके बाद आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपका एंकर ड्रैग कर रहा है। स्लाइट चेंज नहीं, जब वो कंटिन्यूस चेंज होता रहे। तीसरी चीज, आज के टाइम पे एक्टिस आ गया है, आप यू शुड मॉनिटर योर वेसल शुड बी इन द स्विंगिंग सर्कल। ये आपके जहाज का एक स्विंगिंग सर्कल है, आपका वेसल इस स्विंगिंग सर्कल में होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, आपका कोर्स रिकॉर्डर ऑन होना चाहिए और आपके कोर्स रिकॉर्डर पे फिगर ऑफ 8 टाइप कोर्स बनने लगेगा अगर आपका एंकर ड्रैग कर रहा है। फिफ्थ पॉइंट, यू विल सी वाइब्रेशंस, मतलब आपको वाइब्रेशंस होने लगेगी जहाज पे, जैसे आगे से कोई मार रहा है एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग वाइब्रेशंस। सो व्हेन यू कम ऑन वॉच, इट्स अप टू योर जजमेंट, योर एक्सपीरियंस, दैट हाउ यू केम टू नो दैट योर एंकर इज ड्रैगिंग। बट अगर सब कुछ ठीक है देन कुछ नहीं है, आप अपना आराम से वॉच करिए। एंकर इज द मोस्ट कूलेस्ट वॉच एक्चुअली, बिकॉज ना कोई एक्शन लेना, ना कोई ट्रैफिक की टेंशन है, अपना आराम से यू कैन वॉक, यू कैन रोम अराउंड, हैव कॉफी, मॉनिटर द शिप, दैट्स इट। सो इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता था आपको, हाउ वी कीप एंकर वॉच। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल सेलर सैयद, एंड इफ यू वॉन्ट मी टू मेक अ वीडियो ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक, just do comment in the comment box section. Thank you.